एक बड़ी खबर सामने आ रही है झज्जर से। ये बड़ी जानकारी क्या है, बड़ी खबर दिखाते हैं। झज्जर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी है। सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों ने 26,000 के वेतन की मांग की है, तो हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी हो रही। तो सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 12वां दिन है, तो सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। और ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं, खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। 26,000 के वेतन की मांग लगातार की जा रही है और आज 12वां दिन है। प्रदर्शन किस प्रकार से किया जा रहा है, तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, तमाम पुरुष भी मौजूद हैं, तो वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं सफाई कर्मचारी सरकार से। तो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार 12वां दिन हो चुका है, ये सफाई कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि हड़ताल के चलते लोगों को भी परेशानी हो रही है, तो सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, तो सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी है। सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सफाई कर्मचारी। तो 26,000 के वेतन की जो मांग है सफाई कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, 12वां दिन हो चुका है झज्जर में। तो झज्जर से ये बड़ी जानकारी, सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सफाई कर्मचारी। मेरे सहयोगी झज्जर से रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं झज्जर की तस्वीरें हैं, सफाई कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, 12वां दिन हो चुका है, क्या क्या मांगे हैं इनकी मुख्य? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है वो लगातार 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हमें अनदेखा कर रही है और उन्होंने कहा पिछले 17 सालों से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकार है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हमें लगाया गया लेकिन उसके बाद भी कोई हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना कोई ठोस हमें सैलरी दी जा रही है, हमारा गुजर बसर भी होना बड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने दो शर्तें सरकार के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा या तो हमें पक्का किया जाए या हमारा जो मासिक वेतन है वो 26,000 रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार 9 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकिन अभी तक हमारा कोई भी डेलीगेशन से कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, सरकार 12 दिन से हमें अनदेखा कर रही है और लगातार हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम धरने को बदस्तूर जारी रखेंगे। आप क्या रणनीति है आगे की सफाई कर्मचारियों की, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे इस तरह से हड़ताल जारी रखेंगे या फिर कोई और मांग हो? अभी तक उन्होंने यही कहा है कि हम शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं वो बिल्कुल जारी रहेगा। उन्होंने कहा गांवों की जो हालत है अगर वो खराब होती है सफाई व्यवस्था को तो वो सरकार जिम्मेवार होगी क्योंकि हमने सरकार को पहले भी चेता देने का काम किया था लेकिन सरकार ने जब अनदेखी की हमें तभी हमें धरना देना हमने मुनासिब समझा और 12 दिनों से हम लगातार धरना दे रहे हैं लेकिन सरकार का कोई भी डेलीगेशन अभी तक हमसे बात करने तक को तैयार नहीं। चलिए रमाकांत, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए।